ओके सो अब इसकी बात कर लेते हैं रेंज टेस्ट की। ऑलमोस्ट कंपनी क्लेम करती है यहाँ पे 50 मीटर की रेंज है एंड हमारे पास पीछे तक ऑलमोस्ट 150 मीटर के आसपास का एरिया जो है वो बनता है। तो देखते हैं बैरियर क्रॉस हो पाता है या नहीं हो पाता, तो हम जा रहे पीछे। ओके सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 फीट के आसपास जो है वो हमारा एरिया हो चुका है एंड 50 मीटर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे 180 फीट के आसपास बनता। तो 100 फीट के हिसाब से आपको जो साउंड है वो कैसी आ रही है, अगर मैं टर्न अराउंड हो जाता हूँ तो उसके बाद क्या आपको बीच में क्रैकलिंग साउंड जो है वो आती है नहीं आती है। ओके सो 50 मीटर्स के आसपास हमारा यहाँ पे हो चुका है एंड 50 मीटर्स के हिसाब से आपको जो साउंड है मेरी कैसे आ रही है, इधर की साइड बर्ड्स है, इधर भी बर्ड्स की आवाज़ है, आपको इधर उधर की सराउंड साउंड की आवाज़ कैसी आ रही है। मैं इसकी जो नॉइज़ सप्रेशन है उसको ऑन करने जा रहा हूँ। सो हमने जो इसकी नॉइज़ सप्रेशन है उसको भी यहाँ पे ऑन कर दिया। तो अब आपको साउंड जो है वो कैसी आ रही है टर्न अराउंड होते एक बारी उल्टा होने के बाद, क्या आपको साउंड आ रही है? क्रैकलिंग साउंड जैसा तो फील नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 फीट के आसपास हम यहाँ पे आ गए हैं। 200 फीट के हिसाब से हमने जो बैरियर है वो बोया ने जो क्लेम किया वो पार कर लिया है। अभी साउंड जो है वो कैसी आ रही है, क्लियर आ रही है? तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है।